भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 14 जनवरी से 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने जा रही हैं। सीरीज का पहला मैच मुंबई में होगा। दोनों टीमें सीरीज को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान और बड़ी भविष्यवाणी सामने आ रही है, कौन सीरीज जीतने वाला है उन्होंने बता दिया है। रिकी पोंटिंग ने एक ट्वीट में लिखा, शानदार वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का आत्मविश्वास काफी बड़ा हुआ है और पिछली गर्मियों में टीम ने टेस्ट क्रिकेट में भी बेहतरीन खेल दिखाया है। हालांकि भारतीय टीम भी ऑस्ट्रेलिया से मिली पिछली हार से सबक लेकर वापसी की कोशिश में जुटेगी, लेकिन मेरा अनुमान है 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में दिखाई देता है। यानी उन्होंने साफ कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज जीत जाएगी। भारत को ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे के लिए पारी का आगाज करने के लिए फॉर्म में चल रहे लोकेश राहुल और अनुभवी शिखर धवन में से किसी एक को चुनना है, लेकिन उनका ये बयान, इतना कॉन्फिडेंस आखिर कहां से आ गया? जिस तरीके से उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया तो सीरीज जीत जाएगी, देखना होगा कि टीम इंडिया कैसा खेल दिखाती है, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसी रणनीति अपनाते हैं। इस बार रोहित शर्मा बनाम डेविड वार्नर और विराट कोहली बनाम स्टीव स्मिथ की जंग भी देखने को मिलेगी। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी की मौजूदगी वाला भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की परीक्षा लेने को तैयार दिख रहा है। देखना होगा अब इस भविष्यवाणी को विराट कैसा जवाब देते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और एडवांस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।